आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपको डायरेक्ट वीडियो स्क्रीन पर लेकर आया हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने सिमिलर वेब ओपन किया हुआ है। आज जो वेबसाइट आपके सामने लेकर आया हूँ वो 1993 से वर्क कर रही है और यहाँ पर आपको पेमेंट्स डेली के डेली मिलेंगी। यहाँ पर काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, बट आप लोगों के इसरार पर, आप लोग जो बार बार कहते हैं कि सर हमें बताया करें कि ये कंपनी रियल है या फेक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिमिलर वेब ओपन किया हुआ है और यहाँ पर कंपनी का जो नेम है वो fair.com है और ये एयर फाउंडेड 1993 से है। 1993 से यहाँ पर काम कर रही है और इसके एम्प्लॉयज़ की तादाद है 1150 और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी में है, ठीक है। और इसका जो एनुअल रेवेन्यू आप लोगों के सामने है $2 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक है और इसके जो मंथली विजिटर्स हैं वो 72.1K यानी कि 72,000 विजिटर्स इसके मंथली चल रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान से बाहर, ये सारी जगह ट्रेंड कर रही है कंपनी, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड और कई और जगह पर यहाँ पर ये ट्रेंड कर रही है। आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसकी ले लेनी है जब आप इस पर काम करने लगे, बट ये 100% रियल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी fair.com के नाम से। यहाँ पर आपने काम क्या करना है ये देखें, यहाँ पर बड़ा मज़ेदार काम है। आपने यहाँ पर करनी है सेल ई बुक्स, ठीक है, सेल योर म्यूजिक एंड ई बुक्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैलाएं और नो फिक्स कॉस्ट होगी आपको, 80% आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। और सबसे बड़ी मज़े की बात है यहाँ पर डेली पेमेंट्स होती हैं, कोई मंथली चार्जेस नहीं, कुछ आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जितना कमाएंगे उतना डेली पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, इससे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखें योर लेबल, हमारे यहाँ पर लेबल्स और पार्टनर्स हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और भी बहुत बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, म्यूज़िक है, एप्पल म्यूज़िक, अमेज़ोन है, स्पॉटिफाई है और यूट्यूब, ये सारे इनके पार्टनर्स। और यहाँ पर लोग देखें इस तरह से काम कर रहे हैं, म्यूज़िक भी सेल कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर ई बुक्स भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ई बुक्स क्या होती हैं और किस तरह से आपको फ्री में मिल सकती हैं, जस्ट आपने वहाँ से डाउनलोड कर यहाँ पर अपलोड करना है और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना क्या, यहाँ पर साइनअप पर देख सकते हैं, साइनअप पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फेयर ऑनलाइन अकाउंट टेस्ट फॉर फ्री, ठीक है, आपको फ्री में अकाउंट बनेगा और इसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट करना है फॉर्म। किस तरह से फॉर्म सबमिट करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखें यहाँ पर लॉगिन डेटा आपको अवेलेबल होगा, यहाँ पर आपसे सबसे पहले अपना नाम पूछा जाएगा, आपने जो निक नेम रखना होता है वो रखना है, उसके बाद आपने पासवर्ड देना है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो अपना रखा है वेयर इज़ माई एलिमेंट्री स्कूल, तो मैंने अपने शहर का नाम ही रखा है, ठीक है। यहाँ पर पूछना जा रहा है कि पर्सनल डाटा है, कंपनी अकाउंट है या कौन सा है, ठीक है, अगर आपके पास कंपनी है कंपनी कर दे, वरना अगर इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि बाद में ये अकाउंट्स मांगने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा, बर्थडे आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कॉन्टैक्ट डाटा आपने देना है, इन्हें अपनी जीमेल देनी है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर कहाँ से सुना, तो मैंने यहाँ पर नीचे गूगल लिख दिया, इसी तरीके से करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है कि पब्लिशर ई बुक आप हैं या यूट्यूब मल्टी चैनल नेटवर्किंग से आपका ताल्लुक है, कैसा है, तो मैंने यहाँ पर पब्लिशर लिख दिया ई बुक का। यहाँ पर आपने भी इसी तरह से टिक मार्क कर देना है और नीचे आ रहा है यूअर कोड इफ अवेलेबल, ठीक है, वाउचर कोड अगर है, ठीक है, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास सबमिट फ्री रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर सिर्फ हमने क्लिक करना है और अगर कोई मिस्टेक होगा हमारे फॉर्म में तो ये हमें बता देगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया है, ठीक है, वी आर यूजिंग कुकीज, यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर ईमेल्स आ जाती हैं, देखिए एक्टिवेट यूर फेयर अकाउंट, ठीक है, फेयर अकाउंट पर हमने एक्टिवेट करना है अपना और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पर ये देखिए लिंक ब्लॉक लिंक एक्टिवेट अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे क्लिक किया और ये मुझे दोबारा मेन वेबसाइट पर ले आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ नाउ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड और यहाँ पर मुझे मेन अकाउंट पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वी आर हायरिंग का आ गया और यहाँ पर मेरे डॉलर शो होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे मैसेजेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, मेरा अकाउंट यहाँ पर शो हो चुका है। और उसके बाद जो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको, देखें टॉप टूल्स नज़र आ रहे हैं, टॉप टूल्स गुड डे फरहान, यहाँ पर मुझे मैसेज आ गया, अच्छा जी म्यूज़िक का है, ई बुक्स का है, यहाँ पर ई बुक्स आपकी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, यूट्यूब एड्स आ जाएंगी, फेयर लिंक्स आ जाएंगे फेयर के और फुल लिस्ट ऑफ टूल्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बट हमने तो यहाँ पर ई बुक की करनी है, ई बुक ही हमने यहाँ पर अपलोड करनी है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, म्यूज़िक यहाँ पर, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ई बुक्स के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर सारी आपको ई बुक्स के रिलेटेड ब्लॉग्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सिस्टम न्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पर आप डेली के डेली न्यूज़ चेक कर सकते हैं कि आप किस रिलेटेड यहाँ पर ई बुक वगैरह सेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, न्यू रिलीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, बट इससे नीचे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पे इन आ गया और पे आउट आ गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो पे आउट चेक कर लेते हैं, पे आउट हमें यहाँ पर किस तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर आपका जो पे आउट होगा, यहाँ पर नीचे पे आउट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। देख सकते हैं कि आपको पे आउट किस तरह से मिलेगा। टू पे आउट प्रोसेस मेक्स क्योर ऑफ यू, यू हैव एडजस्ट आवर सिस्टम आफ्टर क्लिकिंग दी रिक्वेस्ट सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, न्यू पे आउट यहाँ पर मिलेगा, यूअर पे आउट यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्यूरीज शो हो चुकी हैं, ठीक है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, यहाँ पर आप बैंक अकाउंट के थ्रू, पेपाल के थ्रू और पेयर के थ्रू और इसके बाद पायोनियर के थ्रू, जैसे भी आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ यहाँ पर हमारा सेल फोन होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमें पेमेंट के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर क्लिक योर एक्टिवेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे क्लिक करना, हमारे अकाउंट एक्टिवेट्स हो चुके हैं, सेलफोन नंबर हमने यहाँ पर देना है और सेलफोन कंफर्मेशन हमने यहाँ पर देनी है अपने पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पाकिस्तान की देंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेप टू पर जाना है। स्टेप टू पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, कन्फर्मेशन हमने करनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर सबमिट फॉर्म कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने पहले कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कंट्री हमारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देख चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें पाकिस्तान आ गया, +92 आ गया। यहाँ पर मैंने अपना नंबर देना है और यहाँ पर सेलफोन कंफर्मेशन आ गया। यहाँ पर फिर दोबारा से हमने पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ पर बैठे हैं तो आप इजीली आप अपने आप को यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबमिट किया, सेकेंड हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने अकाउंट को सबमिट करना है, अपने स्ट्रीट एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देनी है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये देखें, मैं अपने स्ट्रीट एड्रेस वगैरह देता हूँ, यहाँ पर नंबर, जिप कोड, सिटी वगैरह दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सारी अपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहा हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी स्ट्रीट एड्रेस दूंगा, देखें यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस भी दे देते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर स्ट्रीट दे, यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस दिया और इसे सबमिट कर देना हमने फॉर्म को। और यहाँ पर मस्ट नॉट एग्जिट नंबर यहाँ पर देना है, सॉरी नंबर यहाँ पर दे देते हैं, हमारा 92 के साथ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं, ये देखें यहाँ पर हमने नंबर दिया और जैसे ही हम यहाँ पर नंबर देंगे, यहाँ पर हमारे पास इसकी एक्टिवेशन होगी और हमने यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर अपनी सारी चीज़ें कन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जो नंबर देना है वो 10 डिजिट्स का नंबर देना है अपना, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना है सबमिट फॉर्म, ठीक है। येस, इसका सेव कर लिया, सेव एड्रेस यहाँ पर कर लिया और इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब लाइसेंस मैनेजर आ जाता है, यहाँ पर आई हैव रीड ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पर हमने क्लिक करना है और लास्ट में हमारा यहाँ पर कंफर्म अकाउंट का आ जाता है, ठीक है। कंफर्म योर अकाउंट यहाँ पर कर दिया हमने यहाँ पर बाई चेंजिंग इट, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी हैं और उसके बाद जो हमारे पास आ गया है, यहाँ पर हम पेमेंट का आ गया है। अब पेमेंट यहाँ पर किस तरह से ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर पे इन विद पेपाल आ गया और उसके अलावा यहाँ पर वीज़ा डेबिट कार्ड, आप यहां से अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह भी एंटर कर सकते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड का आ गया, डायरेक्ट बैंक में ले सकते हैं आप अपने वीज़ा डेबिट कार्ड के थ्रू और उसके अलावा आप यहां से सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी ले सकते हैं, बट सबसे बेस्ट यहां पर पेमेंट जो रहती है वो पाकिस्तान में रहती है। किस तरह से आपने लेना है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपने अपना वीज़ा डेबिट कार्ड करना है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है जो आपका नाम होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, अच्छा जी वैलिड यूनिट देना है, सीवीसी कोड देना है जो आपके 400 का कोड होता है और यहाँ पर अमाउंट करनी है और फिर आप यहाँ पर अपना ऐड ऑन कर सकते हैं जितने आपने यहाँ पर पैसे ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास थी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर पे आउट लेना है, आपको सिंपल सामने दिखा भी दिया किस तरह से आपने यहाँ पर ऐड ऑन करते रहना और सारी आपकी पेमेंट की ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होगी, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमने काम यहाँ पर किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर आपको मैसेजेस अवेलेबल होंगे, हेल्प, और आपके यहाँ पर प्रोफाइल भी आएगी कि आपको यहाँ पर मैसेजेस और सारी टैक्स इन्फॉर्मेशन वैल्यूएशन आपको सारी मिल जाएगी। आपने कोई यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। और अगर आपके पास यहाँ पर देखिए किसी भी मुल्क से हैं तो आप यहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर
इंग्लिश की हुई है। उसके बाद आ जाती है हमारी बारी न्यू रिलीज की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पर हमने करना के। देखिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर करनी है। अब हमने तो यहाँ पर करनी है ई बुक, और ई बुक हमने किस तरह से करनी है, एडिट ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू ई बुक भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हमारे पास लाजिम है कि हमारे पास ई बुक्स अवेलेबल हों जो हमने जहाँ से फ्री में डाउनलोड करनी है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस वेबसाइट से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर। सो manybooks.com.net यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर ही मुझे कह रहा है कि कंटिन्यू एज अ जीमेल, तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया अपने, और यहाँ पर आपको 100% फ्री ई बुक्स मिलने वाली हैं। आपने यहाँ पर कोई पैसे नहीं पे करने, फ्री एंड डिस्काउंटेड बेस्ट सेलर्स ई बुक्स, और जो फ्री वाला काम होगा वही हम लोगों ने आज करना है। आपने यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट करने के बाद कि कौन सी आपको बुक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन यंग जो भी आपको बुक्स चाहिए, पिक योर जनरल स्टेप टू। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपना स्टेप टू क्लियर करना है, उसके बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने यहाँ पर सेव सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको चाहिए ई पब चाहिए, मोबाइल में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ भी कर देता हूँ, टेक्स्ट भी। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें अगर चाहें तो क्लीन कर लेना, ठीक है। येस साइन मी इन नाउ, ठीक है। यहाँ पर आपने फ्री एंड डिस्काउंटेड बेस्ट सेलर्स यहाँ पर बुक्स आपको मिल जाएंगी, और मेरा अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल भी, और यहाँ से मुझे कोई भी ताकत फ्री में बुक्स लेने से रोक नहीं सकती। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिटी आ गया, लेजेंड ऑफ बॉन्ड्स आ गया, और ये वो बुक्स हैं जो बेस्ट सेलर्स रहती हैं, जिधर आपको यहाँ पर पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद टूडेज़ फ्री बुक्स एंड डील्स यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा जी, किडनैप 101 आ गया, ठीक है। सब्रॉन आ गई, यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने बुक को किया, और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ऐड शो होगी, यहाँ पर सिर्फ मैंने इसे ऐड को क्लोज करना, और मेरे पास यहाँ पर ये देखें आ गई फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ्री बुक है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अबाउट एन ऑथर्स यहाँ पर मेरे सारे पास इसकी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे बुक को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते हैं यहाँ पर, मैं इसको फ्री में यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अगर अमेज़ोन पर मैंने पढ़ना है, अमेज़ोन पर भी जाकर यहाँ पर पढ़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैंने अपने इसे ऐड ऑन करना है, और यहाँ पर माई बुक्स पर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सामने आपके पास जैसे मैंने बुक को क्लिक किया, मेरे पास मेरी प्रोफाइल के साथ साथ यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये देखें फ्री में अमेज़ोन पर पड़ी है, आपने वहाँ से जाना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या अमेज़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से डिस्काउंटेड रेट पर भी मिल जाती है, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट किस तरह से करना है वो भी सारे इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आपको। अगर कोई सी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आपको मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। जैसे आप फ्री ई बुक्स लिखेंगे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ पर आपने अपना बुक्स को ले लेना है, और वहाँ से उठाकर सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ यहाँ पर आकर फेयर पर आकर अपलोड करना है। अब यहाँ पर जिस तरह से देखें, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ई बुक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, और ई बुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके रोज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें ई बुक्स IBN नंबर देना है, पब्लिशर डोमेन देना है आपने कि कहाँ से आप पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इसे इसके बाद यहाँ पर टाइटल देना है, टाइटल के बाद आपने यहाँ पर प्राइस सेट करनी है कि आप कितनी प्राइस में यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्राइस सेट कर सकते हैं, कितने यूरो में आप यहाँ पर रखना चाहते हैं बुक को, जो भी पढ़ेगा आपकी बुक को आपको पैसे देगा। अच्छा, प्राइस कैंपेन रन कर सकते हैं आप यहाँ पर, और इसके बाद ओरिजिनल लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि बुक की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं बुक के रिलेटेड, और यहाँ पर ऑथर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। लेआउट लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर इनकी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिज़िकल रिलीज डेट भी लिख सकते हैं, कब ये रिलीज़ हुई थी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद इससे आपने स्टेप थ्री पर आ जाना है, ई बुक डेटा पर। चौथे पर आपने अपलोड करना है, और फाइव पर आपने पब्लिश करना है। सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर सारी टाइटल्स वगैरह लिखने के लिए, और यहाँ पर जब काम होगा तो प्रोफेशनल ही होगा काम, और आपको सिर्फ एक बार काम करना है, उसके बाद आपकी जो इनकम है वो डेली की डेली आपके अकाउंट में आती रहेगी। यहाँ पर आप इजीली मंथली, तो क्या डेली भी अगर आप चाहें तो 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी। सिर्फ एक बुक रीडर चाहिए आपको, 5 हज़ार आपके अकाउंट में आ जाएगा।
आपको बता दिए किस तरह से आपने अकाउंट कनेक्ट करना है, किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपने पे आउट लेना है, सारी चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। और अगर आप भी किसी को समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में बार बार कह रहा हूँ मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।